नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। मैं खुशबू गाजीपुरी और आज देखिए आज मैं बहुत ही देसी जगह पे आई हूँ अपने नानी के घर और मेरे साथ साथ पूरी फैमिली आई है। ये देखिए अभी यहाँ पर देखी चीज ये चूल्हे पे अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है तो ये लोग आग सेक रही हैं और यहाँ पे खाना बनाया और अभी देख दिखा दे आप लोग कौन कौन आया है। चलिए आप लोग मेरे साथ। ये पूरा पूरा देसी पूरा गांव है और इधर ये देखिए इधर सब लोग बैठे हुए दिख नहीं रहे, मैं बैक कैमरा से आप लोग को दिखाती हूँ कौन कौन है। ये देखिए ठंडी में इसको पोरा बोलते हैं, तो पोरा पड़ा हुआ है। और ये देखिए तो कौन कौन है, ये विशाल मार देंगे यार मेरे बाग बोलोगा मत बिगाड़ गई नहीं तो ये देखिए ये है कृष्णा जी उफ बोला और शुभम जयकर है। शुभम जयकर हमें चेहरा दिखा दीजिए तो ये रहे शुभम जयकर। अभी कहाँ सोए हैं शुभम जी आप? कृष्णा के बगल में। नहीं ये किस चीज पे सोए हैं आप? हम क्या कहते तो के ना मालूम तू सोते ले उधर। अरे ये किस चीज का, इसमें इससे पहले कभी सोए हैं आप? सही है लड़का नहीं है सूजा लकोरा में खिसाई डाल के मैं लिख के दे देगी। अरे ये देखिए पोरा है जहाँ ठंडी में हमेशा यहाँ पे ये पोरा डलाता है तो पोरा डलाता है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप फिर से बोलिए। अरे लड़का को नाचू बोला था ये पूरा लेके ऑर्केस्ट्रा देखिए वे पूरा लेके जाते हैं बिछा बिछा के बड़ी रात भर दम ऑर्केस्ट्रा बना लेते हैं। गेम कैसा लग रहा है? बात खत्म हो गई बात कौन बात। तो आप लोग ब्लॉग में लिख के दे ले सही लगा नहीं सोचा आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए। ये रही दीक्षा और इधर ये साक्षी जी है और ये शिवानी जी है और ये काजल जी है और अभी ये लोग चूल्हे पे खाना बना रही है। तो इन लोग को आज हम बुलाए खाना, इन लोग खाना बनाए सिखा रही है। इन लोग को शादी पड़ा लग रहा तो चूल्हे पे तेरे खाना बनाए सीख जाइए लगता है। अपने ससुराल जाएंगे तो चूल्हे मिल चूल्हे बनेंगे लोग ना। ये रहा पूरा लकड़ी उकड़ी सब, ये सब एकदम देसी चीज है। और ये देखिए ये यहाँ पे गाय का खाना जब लेना बाल जलाई वहाँ मशीन आई। कौन कौन है ये सब घूमा है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए बहुत प्यारा सा मेरा एक फैन है आके यहाँ बैठा है बेचारा सेल्फी लेने के लिए। तभी देखिए बेचारा बैठा है, इसको अंदर बुलाएं कि नहीं बुलाएं? आओ आ तू तो बुला के जरूर आ आ आ आ। रुकिए रुकिए मैं अभी शुभम जी को बेवकूफ़ बना के लेके आती हूँ चुपचाप। तो अभी शुभम जी दिख रही है आपसे मिलने आया है। शुभम जी आपको बहुत बड़ा फैन है कल्टा ये बहुत बड़ा फैन है शुभम जी का। उसको मैं डांस सिखाता हूँ, इसको मैं बेवकूफ़ बना के ला दिया। देखिए बेचारा देख आई वही तेज आए सबकी जूता तो पहन के पूरा है। देखिए बेचारा आ तू ठंडा ना ही लगा। ये देखिए पूरा रात को हम लोग एकदम धगधगा के आग चला रही है, पूरा मजा आ रहा है आग सेकने में। यही पे सोने हमारे पूरा धीप गया। ये देखिए पूरा जादू कर देंगे ऊपर धगधगा आ जाएगा। सही से डलाया नहीं है और डालो बैठ कर आराम से लो यार कैसे ले रही है पूरे जींस पूरा जल रहा अभी उतना नौटंकी कर रहे हैं हम लोग। ठंडी नहीं लग रही है बस मजा ले रहे हैं हम लोग रात में बैठ के। अभी आप लोग भूत बुलाएंगे, भूत आएंगे सब तो उनसे थोड़ा सा बात किया जाएगा फिर जाया जाएगा सुने। यहाँ बैठ के मेरा ले लीजिए आप। बहुत अच्छी सवाल अभी कमजोर जींस है क्या भी इसलिए आज चलना जा रहा है इसमें। सही बोली है आप, कहाँ रहती है यार? आए आप मुझे स्टेशन के बाद मिलिएगा, मुझसे मिल के जाइएगा। ठीक है ठीक है। अभी आगे सेकते सेकते हम लोग बैठे हैं, भूत का आने का टाइम हो गया है, भूत आएगा। पिछला सही में अरे भाई हम डरा गए ये पीछे पता नहीं क्या बहुत ज्यादा। और देखिए कि ये गेहूं ये धान का पोरा है, इसको मैं अभी झोंकूंगी आग में। ये और देखिए कि ये गेहूं ये धान का पोरा है, इसको मैं अभी झोंकूंगी आग में। ये मजा आ रहा है यहाँ पे आग सेकने में। आप लोग भी आप लोग अपने घर आग जला के सेकते रहिए, ठंडी के दिन आएंगे हम लोग ठंडी में बहुत।
तो वीडियो अच्छा लगा हो अगर तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सुबह सुबह का मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगी, यहाँ जब तक रहूंगी तब तक मैं जो जो करूंगी आप लोग को ब्लॉग बना के दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आती हूँ तो बहुत मजा आता है हमको। तो आप लोग ब्लॉग में यहाँ एंड करती हूँ।